नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे खालिद महमूद साहब से, जो मैनेजर मार्केटिंग हैं डीआईसी पाकिस्तान के। डीआईसी पाकिस्तान इस वक्त मुल्क में आला मयार की प्रिंटिंग इंक्स बनाने वाली मारूफ कंपनी है, और असल में डीआईसी पाकिस्तान मारूफ तरीन कंपनी पैकेजेस लिमिटेड और डीआईसी एशिया पैसिफिक का ज्वाइंट वेंचर है, और 1994 से मुल्क में काम कर रही है। खालिद साहब से बातचीत का आगाज करते हैं, जो आज हमें कुछ इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सऊद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा खालिद साहब, डीआईसी पाकिस्तान के हवाले से, जो मुल्क में इस वक्त प्रिंटिंग इंक्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और आपका फोकस जो होता है वो ज्यादातर रोटोग्रेवियर्स, फ्लेक्सोग्राफिक, ऑफसेट, वोवन पीपी इंडस्ट्री के ऊपर होता है। पाकिस्तान में पैकेजिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में आपकी क्या राय है, और कितनी कंपनीज होंगी इस वक्त मुल्क में, और अंदाजन क्या तनासुब होगा एम्प्लॉयमेंट का? बहुत शुक्रिया जी सऊद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पैकेजिंग, ओवरऑल जो हमारी पैकेजिंग मार्केट है उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ सा उसको डिस्क्राइब कर दूं, सो दैट के लिए हमें फिर इसको पूरे आपको जो सवाल है इसको 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 इसका जवाब सही तरीके से देने में बड़ी आसानी हो। एक तो जिस तरीके से आपने कहा कि जी हम डीआईसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जी पाकिस्तान में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ग्लोबली भी वी आर द लार्जेस्ट इंक प्रोड्यूसर फॉर पैकेजिंग सेगमेंट, जिसमें ग्लोबली जो है डीआईसी एंड सन केमिकल दोनों ही नाम आपको बड़े वेल नोन फेमिलियर नाम मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं जी ओवरऑल एनुअल पैकेजिंग पाकिस्तान में, पैकेजिंग मार्केट जो आपका सवाल था कि जी क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, इंडस्ट्रीज कितनी हैं, और उसमें एम्प्लॉयमेंट का तनासुब क्या है। मैं एक्चुअली दो हवालों से इसको पैकेजिंग मार्केट को देखता हूँ। अगर ग्रोथ की बात करूँ तो मेरे ख्याल में हम इसको जो हुजम है वॉल्यूम की बेस के ऊपर ग्रोथ मेरा ख्याल है हमेशा डिफाइन होती है और उसी हिसाब से की जानी चाहिए। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जितनी तरह की भी पैकेजिंग यूज हो रही है, जो कि फूड रिलेटेड आइटम्स हैं, जिसमें स्मॉल सैशे से लेके गत्ते का डब्बा है, उसके बाद इवन जो हमारा फर्टिलाइजर में बैग यूज हो रहा है या सीमेंट में बैग यूज हो रहा है, मैं इन सारी तरह की पैकेजिंग को कंसिडर कर रहा होता हूँ ओवरऑल एनुअल पैकेजिंग में। तो जिसमें देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ अगर टनिज देखा जाए, जिसमें ऑब्वियसली प्लास्टिक्स भी हैं, पेपर भी है, सम एक्सटेंड थोड़ा सा टिन भी आ जाता है, तो जो एनुअल इसकी जो मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टनेज वो है कोई अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन टन्स ये एस्टिमेट की जाती है। ओके, जिसकी वैल्यू जो है वो पाक रुपी में मैं बताऊंगा, क्योंकि डॉलर टर्म में अगर देखें तो वो जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है तो वो चेंज होती रहती है। डॉलर टर्म में इट इज एस्टिमेटेड के अराउंड कोई 240 बिलियन पाक रुपीज की ये मार्केट है। ओके, ये जो भी अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एज सच कोई ऑफिशियल तो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें ये फिर पर्सनल जितनी भी एफर्ट्स होती हैं उस सब को करके और वो जमा किया हुआ डाटा है, जिसकी एक्यूरेसी मैं जो मैंने इसको मुख्तलिफ एंगल के साथ इसको वेरीफाई किया है, आई कैन सेफली से कि जी इसकी एक्यूरेसी का लेवल अराउंड 85-90% है। okay. 10-15% का ऑब्वियसली इसमें आप मार्जिन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे अर्ज किया कि ये कोई ऑफिशियल पब्लिश्ड डाटा नहीं है जहां से हम इसको एग्जैक्ट वेरीफाई कर सकें। अब इसमें प्लास्टिक्स के हवाले से सिर्फ बात की जाए तो प्लास्टिक्स में क्वांटिटी में इसका जो शेयर है प्लास्टिक से रिलेटेड पैकेजिंग का वो है 26% आउट ऑफ 1.7 मिलियन टन्स में। तो इससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी अगर इसका 26% लें तो कितने मिलियन टन बनता है वो। और इसी तरीके के साथ अगर हम इसकी अब जब वैल्यू की बात करते हैं, वैल्यू जिस तरीके से मैंने 240 बिलियन रुपए की बताई, तो उसमें ये जो प्लास्टिक से रिलेटेड पैकेजिंग है वैल्यू वाइज इसका तनासुब या कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 240 बिलियन में 41% है। तो वहां से आप देख लें कि ये बेसिकली ये यानी कि प्लास्टिक इज अ सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडेड आइटम, इसमें क्वांटिटी में 26% है और वैल्यू में ये 41% है। सही है। अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ जो आपका सवाल था जी, इसको मैं थोड़ा सा दो ये एक्सप्लेन करने में ये कोशिश करूंगा कि इसको दो तीन हिस्सों में, एक्चुअली इसको अगर हम पिछले 4-5 सालों में देखें ना तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट किया है। आज से कुछ 3 साल पहले तक
हजम के हिसाब से या इसके वॉल्यूम के हिसाब से इसकी ग्रोथ जो थी ओवरऑल पैकेजिंग की वो थी तकरीबन को 13-14% एस्टिमेट की जा रही थी, मगर उसके बाद इसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया। वो ड्रॉप आने की मेजर रीजन ये हुई कि ये जो हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी डाउन हुई उसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर इफेक्ट हुई, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कम हुआ, उसने इवेंचुअली जिस तरीके से सारे सेगमेंट्स पे इफेक्ट डाला तो पैकेजिंग पे भी उसी हिसाब से डाला। मेरा ख्याल है कि पैकेजिंग इज वन ऑफ द ब्लेस्ड सेगमेंट जो कि उस हिसाब से इफेक्ट नहीं हुआ जिस हिसाब से दूसरे सेगमेंट हमारी इकोनॉमी के इफेक्ट हुए। तो ये 13 से ग्रोथ जो ड्रॉप होके पिछले दो एक सालों में ये को अराउंड कोई 8-9% के करीब आई, यानी कि बजाय ये कि इसमें कुछ इजाफा होता ये कुछ 4-1% के करीब डाउन हुई। अब उसके बाद रिसेंट अगर हम आ जाते हैं हम 2020 में, 2020 में अनफॉर्चुनेटली ये जो पेंडेमिक कोविड वाला सिनेरियो हुआ इसने थोड़ा सा इसको और इफेक्ट किया। अच्छा, इसमें भी जब हम इसका इफेक्ट देखेंगे आया क्या है, तो वो फर्क आप ये कह लेंगे कि जो अभी तक के स्टेटिस्टिक्स जो मैं जमा कर पाया हूँ वो तकरीबन ये है कि अगर इसको सिक्स मंथ बेसिस के ऊपर देखें, क्योंकि अभी ये साल में 6 महीने हुए हैं, 31 दिसंबर तक जब पूरा डाटा होगा तो फिर उसमें हम पूरे साल का कंपैरिजन कर लेंगे। अगर इन 6 महीनों का पिछले 6 महीनों के हिसाब से देखें, पिछले साल के 6 महीनों का, तो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ रेट है इस टाइम पैकेजिंग का है वो है कुछ 6% के करीब, 5-6%। बट वी आर क्वाइट होपफुल कि जी ये इंशाल्लाह ताला अब जिस तरीके से सिचुएशन अब नॉर्मलाइज हो रही है, अल्लाह ताला का करम है पाकिस्तान में कि कोविड के इफेक्ट्स जो है नो डाउट ओवरऑल एक जो है वो स्लो इकोनॉमी या ओवरऑल उस वजह से नीचे तो आई है ग्रोथ, बट मेरा ख्याल ये कि अगले 6 महीनों में ये रिकवरी की तरफ जाएगी। इसको हम कह सकते एम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से क्या सिचुएशन जी, जी, जी मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद ईयर एंड के ऊपर खुद अराउंड हमको 7-8% ग्रोथ के ऊपर होंगे, बट अभी इसके ऊपर कुछ फाइनल कमेंट करना इट्स टू अर्ली। अब आपका जो दूसरा सवाल इसी सवाल का एक और हिस्सा था कि हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अगर एम्प्लॉयज हम बात करें तो जो जिन इंडस्ट्रीज के साथ हम डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं जो कि हमारी क्लाइंट बेस क्लाइंटल में है या इवन नहीं भी है, ऑल्दो के जी वी आर अवेयर ऑफ ऑल दोज प्रिंटर्स वो किसी भी सेगमेंट में है, तो मेरा अंदाजा आप मैं ऑब्वियसली क्योंकि ये मेरा डाटा है तो मैं इसलिए इसके ऊपर जो मेरे पास इसके बैकएंड पे सारी इंफॉर्मेशन है उस हवाले से अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबल जिसमें हम ग्रेवियर और फ्लेक्सो कह लें इन दोनों को अगर इन दोनों की हम बात करें तो तकरीबन ये कोई 270 के करीब प्रिंटर बनते हैं पाकिस्तान में, 270 जिसमें से ऑफकोर्स कुछ रजिस्टर्ड हैं और कुछ जो है वो अनरजिस्टर्ड है। और इसमें अगर मैं एक एवरेज अंदाजा लगाऊं कि जी तकरीबन 80 बंदे अगर किसी एक इदारे में काम कर रहे हैं तो तकरीबन ये कुछ 24,000 के करीब मेरा ख्याल है ये नंबर बनना चाहिए। ठीक है, सेम गोज विद द कॉरोगेटेड इंडस्ट्री, कॉरोगेटेड में तकरीबन कोई 180 के करीब, वैसे तो छोटे छोटे बहुत हैं बट जो जो जिनको किसी भी तरीके के साथ डॉक्यूमेंट किया जा सकता है वो भी तकरीबन 160 के करीब है, तो वहाँ मेरा ख्याल में कोई अराउंड कोई 8-9 हज़ार लोग एम्प्लॉयड है। बाकी इसके बाद फिर ऑफसेट वाला सेगमेंट रह जाता है, ऑफसेट में फिर काफी बड़ा सेगमेंट है ये, इसमें सिंगल कलर टू कलर की मशीन्स भी हैं, 4 कलर प्लस भी हैं, तो जो 4 कलर से प्लस प्रेसेस हैं वो मेरे ख्याल में कोई अराउंड पाकिस्तान में कोई 650-700 के दरमियान है वो यूनिट, और जो सिंगल या टू कलर की मशीनों वाले हैं वो तकरीबन कोई 3500 के करीब है। तो इसमें अगर एम्प्लॉयड नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखेंगे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई अराउंड यहाँ पे अराउंड 50-52 हज़ार के करीब है, तो इफ वी पुट ऑल दीज टुगेदर तो तकरीबन ये कोई 90,000 के करीब की फिगर बनेगी। ये वो है जो डायरेक्टली जो पैकेजिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें मैं उस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा जो इससे अलाइड इंडस्ट्री है लाइक फिल्म मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसमें BOPP, CPP, पैट बनाने वाले हैं, पेपर एंड बोर्ड बनाने वाले हैं, इंक्स और एडहेसिव्स वाले हैं, केमिकल और सॉल्वेंट के ट्रेडर्स हैं, PP पॉलीथीन HDPE उसके जो ग्रैनुलर्स के इंपोर्टर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको नहीं ले रहा मेरा अब उनके बारे में, इस तरह मेरा एक रफ कट अंदाजा है क्योंकि ये जो पैकेजिंग जो कन्वर्टर्स हैं इनका डाटा तो काफी हद तक हमारे पास है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जी अराउंड कोई जिस तरह 90,000 यहाँ है तो तकरीबन उन बाकी सारी जगहों पे अराउंड को 30,000 के करीब होने चाहिए। So if we put both these numbers, तो 90 plus 30 मेरे ख्याल में कोई 1,20,000 1,25,000
25,000 के करीब। मेरा ख्याल है कि इतने लोग एम्प्लॉयड होंगे डायरेक्टली इस इंडस्ट्री के साथ। माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त आपने फिगर शेयर की है खालिद साहब। एक और चीज पूछना चाहेंगे, DIC अपनी तरफ से बेहतरीन प्रोडक्ट्स तो देता ही है, उसके अलावा इंक एप्लीकेशंस के बारे में जो मालूमात हैं वो भी आप लोग फराहम करते हैं। इसके अलावा जो DIC पाकिस्तान ने प्रिंटर्स को जो बर्न होने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी भी अच्छी खासी मालूमात पहुंचाने की कोशिश की है, क्या समझते हैं आप इन सब काबिशों के क्या नतायज रहे हैं? खासतौर पर जैसे आग लगने के वाकयात होते हैं उसमें कमी आई है और इंसानी जान को बचाने में हमें मदद मिली है। इसमें जी एक जो अच्छा साइन ये है कि ये जो हमारे जितने भी प्रिंटर्स हजरात हैं जो कि हमारे जिसको हम बिजनेस पार्टनर्स बोलते हैं, मैं इसको अच्छा साइन कहता हूँ कि ये सारे लोग पिछले चंद सालों में उनमें सेफ्टी अवेयरनेस आई है। ओके। चंद सालों की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें ऑब्वियसली ये जो फ्लेक्सिबल एसोसिएशन है इस जब से ये बनी है ये काफी ज्यादा क्रेडिट दूंगा, पहले भी था बट उसमें ऑब्वियसली जब एक इज्तमाइयत आ जाती है कलेक्टिवनेस आ जाती है तो वो थोड़ा सा आपस में भी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं तो वो चीजें जो हैं वो उसकी अहमियत जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके के साथ सामने आती है। तो इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जी हर उस प्रिंटर के साथ इंडिविजुअल लेवल के साथ के ऊपर भी हमारी डिस्कशन रहती है, वन टू वन जिस किसी को कोई भी इशू है वो हम उसको डिस्कस करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। और उसके बाद दो हम सेमिनार भी करवा चुके हैं दोनों ही फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन के तावन से हुए हैं। जहां तक अब अवेयरनेस की बात है ऑब्वियसली क्योंकि जिस तरीके से मैंने अर्ज किया कि लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं अपने बंदे भी हमारे यहाँ भेजते हैं जो हमारे यहाँ सिस्टम्स लगे हैं उसको भी देखते हैं, प्लस ये है कि काफी सारे हमारे जो प्रिंटर्स हैं वो उन्होंने हमारी टीम को भी इनवाइट किया सो दैट कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमारे लोग वहां जाएं जाके सॉर्ट ऑफ सेफ्टी ऑडिट, मैं उसको गैप ऑडिट कहूंगा ऑब्वियसली क्योंकि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसे बेंचमार्क्स नहीं है कि जो कि एक दफा डिफाइन हो गया और वो बाद में उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आनी। जैसे जैसे हैजर्ड्स जो है आइडेंटिफाई होती जाती है उसी हिसाब से आपको फिर डिफरेंट मेजर्स लेने पड़ते हैं। इवॉल्व होता रहता है प्रोसेस। जी इवॉल्व होता रहता है। तो हमारी टीम वहां पे जाती है और वहां पे जाके जो गैप एनालिसिस करते हैं और उसमें खुशी की बात यह है कि जो भी गैप एनालिसिस करके जो एरियाज आइडेंटिफाई होते हैं उसके बाद जो दोबारा जाके हम उसको एनालाइज करते हैं या इवेलुएट करते हैं तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आती है। तो इससे ये एक इनकरेजिंग एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जी लोगों में एक तो इसकी अवेयरनेस आ रही है और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। जो आज से 5-7 साल पहले लोग इसको जस्ट एक डिस्कशन तक लेते थे बट अब ये कि लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। वाकयात जो है देखें जी आग लगना हमारी इंडस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है। असल चीज ये कि जब एक इंसिडेंट हो जाए तो उसको इमीडिएटली उसको कंट्रोल कितनी देर में करना है और दोबारा रीअकरेंस ऑफ दैट इंसिडेंट सिर्फ उस फैक्टर की वजह से ना हो जो पहले हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई और फैक्टर हो सकता है क्योंकि जिस तरह बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो हमारा अवेयरनेस लोगों में आ रही है, लोग खुद भी कॉन्शियस हैं, हमसे भी हेल्प ले रहे हैं अपने अपने बसात के मुताबिक क्योंकि अब लोगों के पास इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी ज्यादा है, एग्जीबिशन बाहर होती हैं वहां जाते हैं तो लोगों में ये सेफ्टी के हवाले से काफी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है बट अभी भी इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। हम ये चाहेंगे कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए नाज़रीन को भी बताइए जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं जो सॉल्वेंट बेस्ड इंक्स होती हैं उनके इस्तेमाल के वक्त किस किस्म की खास तौर पे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए अपनानी चाहिए क्योंकि हमने तो ये सुना है कि इंक्स के इस्तेमाल में जरा सी बेहतियाती से आग लगने का खदशा पैदा हो जाता है। सर इस सवाल का थोड़ा सा शायद लंबा जवाब हो जाए पिछले सवालों से। आपने बिल्कुल सही सुना जी, सॉल्वेंट बेस इंक्स जो है यहाँ पे आग लगने का अंदेशा या आग लगने का खर्चा जो है वो कंपेयरिंग इट विद जो दूसरी पेपर एंड बोर्ड वाली पैकेजिंग या वो वाली इंडस्ट्री है उसके निस्बत ज्यादा है जी। उसकी वजह यह कि ये सॉल्वेंट्स जो है ये वोलेटाइल है, इवेपोरेट होते हैं हवा में, नजर नहीं आ रहे होते बट हवा में वो इवेपोरेशन की वजह से फिर रहे होते हैं। अच्छा अब इसमें यह कि सबसे पहले तो ये है कि बेसिक मैं 3-4 चीजें बताऊंगा जो कि ऑब्वियसली कुछ उसमें कॉमन सेंस की चीजें हैं जिसको हम हमें मुलुक़े खाते रखना चाहिए। सबसे पहले तो जी प्रॉपर हाउस कीपिंग, ये वैसे भी सबाइन इस पे मान है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी घर में भी और इदारे में भी किसी भी इदारे में। हमारी ऑब्जर्वेशन जो हुई है जहां पे भी आग लगी है उसका जो रूट कॉज थे वो दो थे, एक
प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं थी और दूसरा स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैं अभी बाद में आता हूँ। जब प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है, जिस तरह पहले मैंने इससे पहले इस वाले सवाल में अर्ज किया कि आग लगना कोई कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है, बट ये कि उसको कंट्रोल आप कितनी जल्दी कर लेते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं है, एक तो ये कि आग लगने के वाकयात भी ज्यादा होते हैं, और खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद ये है कि जी जो वर्क फ्लो है हमारे जो जहाँ पे काम हो रहा होता है, वो अगर वर्क फ्लो प्रॉपर डिजाइन नहीं है तो तब भी इसकी आग, खुदा ना खास्ता आग लगे तो उसकी इंटेंसिटी या उसके ऊपर कंट्रोल पाना वो मुश्किल हो जाता है। तीसरा ये है कि जी जो रॉ मटेरियल जितने भी हैं, चाहे वो इंक है, सॉल्वेंट है, एडहेसिव्स हैं, फिल्म्स हैं, ये अगर फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है तो ये भी एक तो आग लगने का बायस तो बनते ही है, प्लस ये कि खुदा ना खास्ता अगर ये इंसिडेंट हो जाए तो फिर उसको कंट्रोल करने में भी ये रुकावट होते हैं। आग लगने की जो इससे हटके जो सबसे बड़ी वजह अभी तक नजर आई है, हमने ऑब्जर्व भी की है उसको बाकायदा, यानी कि ये एक जस्ट एक गट फीलिंग नहीं है, बाकायदा ये मूव हुआ है, वो है स्टैटिक चार्ज। हमारी इंडस्ट्री में जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सॉल्वेंट जो है वेपोरेट हवा में होते हैं, नजर नहीं आते, स्टैटिक जो आग लगना सॉल्वेंट बेस कोई भी चीज है, इंक है, पेंट है, कोई भी चीज है, उसमें स्टैटिक चार्ज बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अब स्टैटिक चार्ज भी नजर नहीं आ रहा होता, अब स्टैटिक चार्ज कब क्रिएट होता है? स्टैटिक चार्ज उस टाइम क्रिएट होता है जब ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो एक सर्टन लेवल से नीचे आ जाए। जनरली ह्यूमिडिटी लेवल जो है 50-60% होना चाहिए। 50 से जू जू ये नीचे आता जाएगा, आप समझ लें कि आग लगने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ते जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता किसी कभी एक 20-25 भी हमने ऑब्जर्व किया है, अगर ये इतना लेवल आ जाए तो समझ लेंगे जी आप, यानी यकीनी आग लगना उस एनवायरमेंट में, बाहर कोई चीजें नजर नहीं आ रही होती। इसके अलावा फिर क्योंकि इसमें सारे सॉल्वेंट की मेन हैंडलिंग है, जो सॉल्वेंट की पोरिंग है, जो सॉल्वेंट हमारे ऑपरेटर हजरात डाल रहे होते हैं मशीन के ऊपर विस्कोसिटी कंट्रोल करने के लिए, जब अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम है, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर सॉल्वेंट एक सर्टन हाइट से उसको पोर कर रहे होते हैं, वो स्टैटिक चार्ज की वजह से उसमें आग लग जाती है। ये वो चीज है जो कि हमने बाकायदा इसको प्रूव किया है कि यार ये देखो ये एक एनवायरमेंट है, इसमें कुछ नहीं है। हमने प्रैक्टिकल ये डेमो करके कुछ लोगों को दिखाया है, अपने यहाँ करके देखा है। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी चीज ये है कि जी हमारे यहाँ सॉल्वेंट बेस्ड एनवायरमेंट में एटेक्स ग्रेड की मोटर जो है वो रिकमेंडेड है, वो होनी चाहिए। ये एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे जो प्रिंटर हजरात हैं वो थोड़ी सी कुताही कर जाते हैं, शायद वो कॉस्ट की वजह से है कि मशीन में तो ऑब्वियसली जो चीजें उन्होंने लगवाई होंगी या लगी हुई हैं वो उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्वेश्चन किया जा सकता है कि वो एटेक्स ग्रेड की है या नहीं है, वो तो यकीनन होंगी और होनी भी चाहिए। बाकी उसके अलावा लेट्स से कि जी वहां पे कोई फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कुछ स्विचेस लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमने ये सेफ्टी ऑडिट्स के दौरान देखा है कि तकरीबन कुछ 70-80% जगहों के ऊपर वो इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। वो ख्याल ना रखने की मुझे जो मेन वजह समझ आ रही है वो कॉस्ट है, बट ये कॉस्ट जो है ओवरऑल खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरीके का हादसा कुसाने हो जाए तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, शायद ये फ्रिक्शन में भी नहीं है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ये बड़ी स्ट्रांगली इसको सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली ये जो पंखे होते हैं, पेडेस्टल फैंस हैं, या इवन जो दूसरी और मुख्तलिफ चीजों के हवाले से वहां पे कोई मोटर्स हैं या कुछ स्विचेस हैं, वो एटेक्स ग्रेड की होनी चाहिए। एटेक्स ग्रेड की मोटर को देखने का बड़ा आसान सा हल है, उसके नीचे ई एक्स, ई बड़ा और एक्स छोटा, ये जिसके पीछे ये एक कुंदा हो, बिल्कुल वो जिस तरीके से कुदा हुआ हो, तो इट मीन्स कि वो एटेक्स ग्रेड की मोटर है। इसी तरीके के साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज हैं, स्विचेज हैं, वो एक येलो कलर का उसके ऊपर वो ई एक्स लिखा होता है, तो ये एक इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद फिर जो सेफ्टी टीम, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि हर फैक्ट्री में चाहे एक बंदा हो, टीम डजंट मीन कि 5-6 बंदों की टीम हो, चाहे एक बंदा है, वो एक डेजिग्नेटेड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा हर फैक्ट्री में होना चाहिए। कुछ लोगों ने अब इसको इसकी उसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर दी हुई है, क्योंकि ये सेफ्टी एक फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, इसको ना आप किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर सकते कि एक बंदा जो है वो सेफ्टी वाला काम भी कर रहा हो, दूसरा भी कर रहा हो। बिल्कुल सही। तो सेफ्टी ड्रिल्स जो है ये रेगुलर होनी चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जिसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो स्टैटिक चार्ज बार बार मैं उसका हवाला दे रहा हूँ, उसमें जितनी मशीन्स हैं, प्रिंटिंग है, स्लिटिंग है, लेमिनेशन है, कोई भी मशीन जो है
कोई विस्कोसिटी पंप है, उसका अर्थ होना लाजमी है। अगर वो अर्थ नहीं है तो आप समझ लें कि ये एक क्राइम है। आप आग को खुद दावत दे रहे हैं कि आए हैं जनाब आग लगे हमारे यहाँ, बट इसको आप बोलपन में कह लें, अनजाने में कह लें, जो भी कह लें, अगर ये अर्थिंग नहीं है तो ये वो जो सेफ्टी टीम होगी, ये वो एक बंदा हो या दो बंदों की टीम हो, उसका काम इस तरीके की चीजों को चेक करना है। इसमें हम भी लोगों को हेल्प कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिस जिसको हमारी हेल्प की जरूरत है। और हम अपने जो इंटरनेशनल हमारी जो डीआईसी के जो सेफ्टी की टीम है उसको भी पाकिस्तान दो दफा बुलवा चुके हुए हैं, जिन्होंने हमारी टीम को ट्रेन किया है, और एक दो हम प्रिंटर्स के यहाँ भी उनको लेके गए हैं, वहां पे भी उन्होंने देखा है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको इंशाल्लाह ताला हम मिलके सारे स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर इसको काबू भी पाया जा सकता है और इस तरह के वाकयात को मिनिमाइज भी किया जा सकता है। एक और खास बात खालिद साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो सॉल्वेंट एग्जॉस्ट सिस्टम्स और सॉल्वेंट रिटेंशन के वो कौन से बैन अल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं जो आप हमें बता सकते हैं जो कि प्रोडक्शन एरियाज में ऑपरेटर्स, जैसे मैंने कहा कि इंसानी जान की सबसे ज्यादा अहमियत होनी चाहिए और है, बिल्कुल ऑपरेटर्स की सेफ्टी के लिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। इसमें सऊद साहब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जनरली अगर हम बात की जाए तो एक एक स्टैंडर्ड है जो फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री में, वो उसको कहते हैं ओशाज, OSHA स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिकन एक स्टैंडर्ड है, ये डिफाइन हुआ हुआ है ये स्टैंडर्ड, और इसी तरीके से फिर पाकिस्तान में भी अपने स्टैंडर्ड इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, NEQS नेशनल एनवायरमेंटल कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। फिर अभी सुना ये कि जी उस सूबाई लेवल के ऊपर भी जो जो डिफरेंट महकमा जाता है उन्होंने भी, बेसिकली ये ड्राइव वहीं से हुए, बस उसको फिर वो नाम थोड़ा सा उसका चेंज है। ये स्टैंडर्ड कहता क्या है, इस स्टैंडर्ड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये है कि VOC कंट्रोल करना, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक वो जो कंपोनेंट्स हैं, जो जिस तरह सॉल्वेंट है हवा में उड़ रहा है नजर नहीं आ रहा, इसको हमने कंट्रोल करना है। ये इसका यहाँ पे जवाब, क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में डिफरेंट सॉल्वेंट यूज होते हैं, कुछ 6-7 तरह के सॉल्वेंट यूज होते हैं, हर सॉल्वेंट का थ्रेशहोल्ड डिफरेंट है कोई, तो इसलिए जो एक सॉल्वेंट का फिर मिक्सचर यूज हो रहा होता है जो जिस प्रिंटिंग स्टेशन के ऊपर, वो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है इंडिविजुअली के जी ये फलां इंक यूज हो रही है और इसमें फलां सॉल्वेंट यूज हो रहा है और इसका जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड लेवल है वो क्या डिफाइन हुआ हुआ है। अच्छा, उसको चेक करने का एक छोटा सा वो VOC मीटर है, बहुत महंगा नहीं है, आराम से मार्केट में अवेलेबल है, वो लेके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जवाब मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जब हम जिस तरह मैंने अर्ज किया कि वो उस मिक्सचर को देखते हुए दिया जा सकता है, कोई इसका एक यूनिक जवाब नहीं है कि जी इसका एक्स लेवल होना चाहिए और उस वाई नहीं होना चाहिए। ये तो VOC के हवाले से है जो कि सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपका सवाल था सॉल्वेंट रिटेंशन। सॉल्वेंट रिटेंशन जो है बेसिकली ये इसका जो यूनिट डिफाइन होता है या ये जो मापी जाती है वो मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर इसका पैमाना है नापने का। इसमें काफी सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जी यूजेज ऑफ राइट सॉल्वेंट। राइट सॉल्वेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि जी सॉल्वेंट है उसकी प्योरिटी कितनी है, क्योंकि अगर एक सॉल्वेंट इम्प्योर है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर तरीके के साथ नहीं इवेपोरेट हो सकेगा, उसके रेजिडुअल रह जाएंगे जो कि ऑब्वियसली वो आपके लैमिनेट में या प्रिंटेड स्टफ में रह जाएंगे और वो जो कि बाद में बदबू भी आ सकती है, डिलेमिनेशन भी, और काफी सारे उसके जो है वो उसके आप कह लेंगे जी असरात बाद में जाहिर होते हैं। इसमें मेन जो है इंक रेजिन सिस्टम भी रोल प्ले करता है, जिस तरह सॉल्वेंट की प्योरिटी मैं बता चुका हूँ। फिर मशीन के जो ड्राइंग सिस्टम है कि किस टेम्परेचर के ऊपर आप का कौन से वाला प्रिंटिंग यूनिट किस टेम्परेचर पे चल रहा है, एयर वेलोसिटी उसकी क्या है, फ्रेश एयर की सर्कुलेशन और जो 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 उस हाल के अंदर एयर होती है उसका एक लेवल होता है वो कितना डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है ये रोल प्ले कर रही होती है VOC कंट्रोल में भी और सॉल्वेंट रिटेंशन में भी, दोनों में। अच्छा, अब जो सॉल्वेंट रिटेंशन है इसका स्टैंडर्ड ऑब्वियसली डिफाइन हुए हैं मुख्तलिफ, बेसिकली दोस डिपेंड्स ऑन आपका प्रिंटेड मटेरियल या प्रिंटेड स्टफ क्या है। अगर पेपर प्रिंटिंग है उसके लिए डिफरेंट है, बट जनरली क्योंकि हम प्लास्टिक के हवाले से पाकिस्तान में भी प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो काफी फरोग पा रही है जी। तो इसमें जो एक जनरली अगर हम बात करें तो अगर ये 15 मिलीग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम टूवर्ड जीरो की तरफ हो
तो वो अच्छा है। 15 आप समझ लेंगे जी एक बेयर मिनिमम लेवल है, 15 mg/m². ये जितना जीरो की तरफ होगा उतना अच्छा कंसिडर किया जाएगा। लेट्स से अगर दो लैमिनेट है, एक में 15 mg है और दूसरे में अगर 6 mg है, इट मीन्स कि जी 6 वाला जो है फिर वो बेस्ट है। वो जो एंड कस्टमर है हमारा उसके लिए भी फिर स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो है वो 6 कहलाएगा, वो 15 नहीं होगा। ऑल्दो के जी 15 इज एक्सेप्टेबल, बट कंपैरिजन में आप और हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें, जब दो चीजें हमारे पास हो तो हम जो बेहतर चीज होगी हम हमेशा उसको उठाएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए 15 जो आपका सवाल था कि जी जनरली एक ग्लोबली क्या एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो जो हमारे जो लैमिनेट्स हैं इसमें तकरीबन अगर 15 है तो दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। एक चीज जो जिस तरीके से मैंने आपसे कही थी कि जी जो सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की प्योरिटी या इम्प्योरिटी, और जो आपने भी बात की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इंसानी जान है। ठीक है जी, मशीन आप दोबारा ले आएंगे ऑब्वियसली उसमें उसका नुकसान जो है वो भी इतना जल्दी कवर अप नहीं हो सकता, बट खुदा ना खास्ता अगर इंसान जो है अगर उसकी सेहत को इफेक्ट होता है तो वो एक फिर ऐसा लॉस है जो कि नाकाबिले तलाफी है उस बंदे की फैमिली के लिए। शायद हमें जो इदारों के ओनर्स हैं उनको तो शायद एम्प्लॉय और मिल जाए, बट वो जो इंसान जो ऑपरेटर है, जो बंदा है, वो उसकी फैमिली को तो वो बंदे नहीं मिलेंगे ना। ऑब्वियसली इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो जो इखलाकी तौर के ऊपर सोशली एथिकली मुआशरती जो भी आपने नाम लेने हैं, वो जो ओनर किसी प्रेस का है उसके ऊपर आई होती है। वो ये है कि जी बहुत सारे सॉल्वेंट ऐसे हैं जो कि FDA की नेगेटिव लिस्ट में है। अगर हम सिर्फ अपनी कॉस्ट बचाने के लिए वो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद हम GC लेवल के ऊपर भी उसको कंट्रोल कर लें, अपने प्रिंटिंग मशीन के एग्जॉस्ट सिस्टम बेहतर करके GC लेवल उसका 8-9 पे ले आए, बट वहां पे जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं आप ये समझ लेंगे जी आप उनको कत्ल कर रहे हैं। जिसमें आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखा जा रहा है एक सॉल्वेंट जिसकी मकदार बहुत ज्यादा लोगों के यहाँ यूज हो रही है, वो है मेथनॉल। मेथनॉल एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि जिसका एक्सपोजर जब ऑपरेटर्स को होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, शायद 2-4-6 महीनों में कुछ ना हो, बट ओवर द ईयर्स जब वो उस एनवायरमेंट में वो ऑपरेटर रहते हैं उनको ब्लाइंडनेस आ जाती है, उनकी आंखें अंधी होने का शदीद खतरा है। इसके अलावा फिर उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस की नालियां हैं, वो डैमेज होती है, कार्सिनोजेनिक है। ये वो चीजें हैं जिनका जिनकी रियलाइजेशन या जिनका पता आज से 5 साल बाद पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि किसी भी जो इदारे का मालिक है उसको हम ये कह के नहीं जान छुड़ाई जा सकती कि जी उसको पता नहीं। हर किसी को पता है जो इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री में है, उसको अगर ये नहीं पता कि FDA की नेगेटिव लिस्ट में कौन से सॉल्वेंट है तो माजरत के साथ मेरा ख्याल है कि फिर उन साहब को वो अपना प्रिंटिंग का इदारा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं अपने भोलपन में। पहले सीख लें, उसके बाद फिर उसको उन चीजों को अमल करें। ठीक है खालिद साहब, आज पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से हमने खास तौर पे बात करने की कोशिश की थी। टेक्निकल बड़ी ज़बरदस्त आपने हमें फिगर्स भी बताई हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनको फॉलो करने के क्या तरीक़ेकार हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, ये सारी बातें हुई हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप, और आपकी नज़र में कौन से ऐसे मखसूस एरियाज हैं जिसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हम कंपीट कर सकते हैं। अगर हमारे सेक्टर्स तो आउट परफॉर्म इतने अरसे से करते चले आए हैं, अब उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड्स तो आ गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको अभी तक शायद सही तरह से टैप नहीं किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में हम किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं, कौन से एरियाज पे फोकस करना जरूरी है? इसमें जो आपका पहले सवाल है कि जी इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है या फ्यूचर ग्रोथ क्या है, विदाउट एनी डाउट देखें जी इसकी इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब वो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली ये जब हम बहुत या ज्यादा या कम कहते हैं तो ये किसी की गट फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे कोई नंबर, इसकी बैकिंग में कोई नंबर होना चाहिए। Exactly. जिस तरीका शुरू में मैंने आपको बताया कि जी हमारे यहाँ 1.7 मिलियन टन डिफरेंट तरह की चीजें मिला के पैकेजिंग में यूज हो रही हैं, तो जिसको जब हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे डिवाइड करके जो पर कैपिटा पैकेजिंग निकालते हैं तो वो 7.6 किलो बनती है, जिसमें सारी चीजें हैं, प्लास्टिक है, पेपर है, बोर्ड है, गत्ता है, उसके अलावा पॉलीथीन पॉलीप्रोपिलीन के बैग है, सारा कुछ है। इसी चीज को अगर हम देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पे ये है 71 kg।
अब आपने अपना नंबर जेन में रखना है, हमारा नंबर है 7.64 किलो पर कैपिटा, अमेरिका में 71 है, जर्मनी में ये 41 केजी है, इंडिया में 12 केजी है, इंडिया जो हमारी तरह की इकोनॉमी है। सही है, यहाँ से ये जाहिर होता है कि देखें जी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हमने हमेशा हमारी इकोनॉमी डाउन नहीं रहनी, चीजें अच्छी होनी है, बेहतरी की तरफ जाना है, ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट है, लोगों में हाइजीन की अवेयरनेस आ रही है, तो चीजों ने पैक होना ही होना है। तो इट मींस पोटेंशियल इसमें तो इसके कोई दूसरी राय है ही नहीं कि जी इसकी डबल डिजिट ग्रोथ तो आराम से, जिस तरह पहले आज से 4-3 साल पहले 13% ग्रोथ थी जो कि बड़ी हेल्दी ग्रोथ थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में हमें कम्पीट करने के लिए एक चीज तो हमारे जितने भी प्रिंटर हजरात हैं उनको मैं कहता हूँ 100 में से शायद 90 नंबर देने चाहिए हमें, कि उन्होंने बड़े कम रिसोर्सेज के बावजूद प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है उसको अगर हम किसी भी इंटरनेशनल पैकेजिंग को देखें तो वो मोर और लेस उसके करीब है। ऑब्वियसली जब हम दो चीजों का मुवाजना करते हैं तो हमें रिसोर्सेज को भी देखना पड़ता है। हमारे यहाँ कम रिसोर्सेज से जो हमारे जो जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उन्होंने कहीं पे तो इंटरनेशनल पैकेजिंग को बिल्कुल कम्पीट कर लिया हुआ है, कहीं पे थोड़ा सा फर्क है वो, जो मेरा ख्याल में अगर थोड़ा सा रिसोर्सेज उनको दे दिए जाए बेहतर हो जाए तो वो शायद से भी बेहतर हो जाए। ये तो रिसोर्सेज के हवाले से बात होगी, बट एक चीज जो है लम्हा फिक्रिया है वो है कि वी आर लैकिंग इन सिस्टम्स। हमें सिस्टम्स, जब तक हम सिस्टम्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल या किसी भी से भी आप बात करें, आपकी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस वायबिलिटी नहीं निकलेगी। शायद मुझे आज चीजें पता है, मैं अपने इलम के जोर पे, अपनी ताकत के जोर पे जब तक मेरे अंदर एनर्जी है तो कर लूं, बट जब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो शायद मुश्किल हो जाए, या जब मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कम्पीट करना है तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो जब तक सिस्टम्स नहीं होंगे तब तक हम कतन इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे तो शायद कम्पीट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जब सिस्टम्स आएंगे ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी कंट्रोल होगी, वेस्टेज भी कंट्रोल होगी, ये सारी चीजें जो है वेस्टेज कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया क्वालिटी में तो मोर और लेस हम ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच चुके हो। अब जो कॉस्ट वाला एलिमेंट है वो ऑब्वियसली जब हमारे सिस्टम बेहतर होंगे उनको, उनकी वजह से जब हमारी वेस्टेज कंट्रोल होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी हमारी कंट्रोल होगी, जो कि होनी चाहिए, दुनिया में ऐसे ही होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब डिफरेंट कंप्लाइंसेज हैं जिनके ऊपर अभी तक हम, कुछ अच्छे इदारे जो हैं उन्होंने तो इन टू लेटर एंड स्प्रिट काम शुरू कर दिया, बट काफी सारे उसमें हमारे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ कागजी कार्रवाई शायद कर रहे हैं, ISO ले लिया, दूसरी सर्टिफिकेशन ले ली, मगर उस जब आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो ऑब्वियसली फिर आप अपने दिल की तसल्ली के लिए कागज नहीं चाहिए आपको। सही। फिर अगर खुदा ना खास्ता आपका ऑडिट होता है और आप उसमें उस कंप्लाई आपने लिखा हुआ कि मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे होते, इट मींस कि आप बैन है। फिर इंटरनेशनली वो उसमें कोई लोकल में तो ये हो जाता है ना कि अच्छा चलें जी आप 100 रुपए की चीज है आपने अच्छा डिस्काउंट दे दिया, चलो यार अगली दफा सही कर लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पे तो हमसे बहुत पहले से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, कदम जमाए हुए हैं उन्होंने, सिस्टम्स भी हैं उनके, और जो कंप्लाइंसेज हैं उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं लोकल में जुगाड़ लगा के काम कर रहा हूँ, कंप्लाइंस का सर्टिफिकेट मैंने लिया हुआ किसी कंपनी से, नॉन कंप्लाइंट चीजें यूज करके मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, दिखने में वो प्रिंटिंग पैकेजिंग सारी चीजें ठीक है, बट जब आपने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो आप फिर भूल जाए, वो आपकी सिर्फ जाहिरी अपीयरेंस को उन्होंने नहीं देखना, उन दुनिया के पास ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं कि वो सारी चीज एनालाइज हो जाती है कि आपने क्या रॉ मटेरियल यूज किया, क्या चीजें यूज की। ऑन टॉप ऑफ दैट आजकल जो सबसे एक हॉट कंप्लाइंस चल रही है वो हलाल पैकेजिंग की है। हलाल पैकेजिंग के लिए ये वो चीज है जो कि मुस्लिम या गैर मुस्लिम रिगार्डलेस, ये अब हलाल पैकेजिंग का वो वाला ट्रेंड है कि जिसके ऊपर हमें और ज्यादा सख्ती से अमल पैरा होने की जरूरत है। शायद ISO में तो हमने को कागज ले लिया किसी से और गुजारा हो गया, हलाल में ये चीज नहीं चलनी। अगर खुदा ना खास्ता किसी ने चलाने की कोशिश की, रिपरकशन उसके वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि हम ऑब्वियसली हम फिर अपने खुदा के साथ भी नऊज़ुबिल्लाह धोखा देने की कोशिश कर रहे होंगे, यदि हलाल का सर्टिफिकेट हमने लिया हुआ है और नॉन हलाल चीजें यूज हो रही है। बहुत जबरदस्त खालिद साहब, आखिर में बस नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के हवाले से आपके कमेंट्स जानना चाहेंगे, कोई राय देना चाहें आप, कोई तजावीज हो, मशवरे हो, यू मोस्ट वेलकम। सर ये इंतहाई शानदार एफर्ट है, मैं अहमद फराज साहब का एक शेर है वो आपके खिदमत पेश करूंगा। वो शेर ये है कि जी शिकवा शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था,
अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। तो ये मेरा ख्याल में ये इसको ना इस शेर की तराजू में देखा जाए तो इमरान रहमान साहब स्पेशली और उनके साथ जितने भी जो दूसरे हजरात हैं जिसमें आप हैं, आपकी पूरी टीम है, ऑब्वियसली ये वन मैन शो तो नहीं है, पूरी टीम है, ये कंट्रीब्यूशन है। कोई भी बंदा चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चाहे किसी भी लेवल के ऊपर अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है चाहे वो 0.001% है, वो मेरा ख्याल में कि वो अल्लाह ताला के यहाँ भी लिखा जा रहा है और हमारा जो मुआशरा है, हमारी जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी ऑब्वियस कोई रजिस्टर उसको करे ना करे आप छोड़ दें उसको, सही। ये इंतहाई असल कदम है। मैं तो ये कहूंगा कि जी इमरान साहब या इस इमरान साहब की तरह के और बहुत सारे लोग इसको मैं उस यानी कि इमानियत वाले उसमें नहीं लेके जा रहा, बट मेरे जहन में अभी लफ्ज आ रहा है कि ये लोग किरदार के गाजी हैं, हमारे जैसे शायद सिर्फ गुफ्तार के हैं, बात करते हैं, बट इन्होंने ये है कि एक कदम बढ़ के उसको इन चीजों को एग्जीक्यूट किया है। तो ये किसी भी चीज को एजुकेट करना, बताना, ये मेरे ख्याल में सोशली भी रिलीजियसली भी हमारा मजहब भी यही कहता है, जिस तरह कहते हैं नहीं मशवरा अमानत है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज मेरे पास नॉलेज है तो वो अमानत है, मैं किसी दूसरे को ट्रांसफर करूँ। ये नो प्लास्टिक ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया कि जिसमें मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो एक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके वो एक्सपीरियंस अपना शेयर करें सो दैट के जी बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। उसमें जो लोग शेयर कर रहे हैं उनकी अपनी कुरेक्शन भी होगी। बिल्कुल, मैंने जो चीजें जो नंबर बताए हैं ये एक मेरी अपनी एफर्ट है, अपनी स्टडी है। अब कोई और लोग इसको देख रहे हैं ऑब्वियसली वो इसको करेक्ट भी करेंगे, जब वो करेक्ट करेंगे मेरा अपना जो नॉलेज है वो बेहतर होगा। तो मैं जो नोहाव है, जो इंफॉर्मेशन गैप मौजूद है, हम उसको ही खत्म करने की, उसको कम से कम करने की अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शानदार कोशिश है। अल्लाह ताला आप लोगों को और हिम्मत दे, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो और हमारे साथी हैं उन सबको दे, स्पेशली मैं आखिर में ये जो हमारी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं सारे मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं सारे, मैं ऑब्वियसली किसी एक का नाम नहीं ले सकता, हर बंदे का कंट्रीब्यूशन है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत अच्छा स्टेप है, नो प्लास्टिक भी, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एसोसिएशन भी। तो इसी तरीके के साथ मेरा ख्याल है कि और हम लोगों को जिस तरीके से इज्तमाइयत में काम करेंगे तो फायदा है, इंडिविजुअली तो ऑब्वियसली हम अपने लिए तो कर ही रहे होंगे, बट शायद उसका कलेक्टिवली सोसाइटी में उतना उसका असर नहीं होगा। आखिर में बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे खालिद साहब, आज बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही है, और टेक्निकल हवालों से भी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी, जो प्रिकॉशन रखने चाहिए, जो इंसानी जानों का ज़िया होता है, बिला वजह हो जाता है या किसी शायद क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हो जाता है, उसके हवाले से भी बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका खालिद, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के एपिसोड के बारे में अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा। यूट्यूब पे नो प्लास्टिक के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सऊद जफर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने जवाब।